जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। विशाल भैया जी नमस्कार। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। नमस्कार भैया। अच्छी ज्वार जो आपके पीछे दिखाई दे रही है, आपके आगे दिखाई दे रही है, इसमें आपने किस जैविक खाद का प्रयोग किया था? मैंने वो आपका पावर प्लांट यूज करा है और नीम प्रेस्टिफाइस की यूज करा है। हाँ? और ब्लूम यूज करा है। अच्छा अच्छा, तीनों चीज इसमें यूज करी है। सालों में जो आपने ज्वार उगाया था। हाँ? वो अभी में कितना अंतर है? अभी में इतना अंतर है जैसे पिछले साल की ज्वार सिर्फ यहाँ तक थी। हाँ? और अभी की ज्वार देख लीजिए आप, यहाँ मतलब करीब करीब 7 फीट 7 फीट की हाइट, इसके अंदर करीब करीब आपका 1 से 1.5-2 किलो करीब आई। अच्छा, मैं इंच टेप हो तो क्या नाप के बता पाएंगे साहब थोड़ा सा? बिल्कुल है ना, देखिए इसमें। हाँ जी। ज्वार का मेरा भुट्टा है। हाँ? ये 1.25 इंच का भुट्टा करीब करीब आपका भुट्टा है। अच्छा, एक मिनट ऐसे ही रखिएगा विशाल जी, थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ पूरा पूरा। करीब ये 1 फीट से ऊपर मतलब करीब 15 इंच के आसपास जा रहा है। ये 15 इंच के भुट्टा है। अच्छा अच्छा। और इसकी जो गोलाई आप देखेंगे। हाँ? वो गोलाई करीब करीब आपकी 1 फीट की गोलाई है। एक सेकंड विशाल जी, मतलब इसकी गोलाई भी काफी मतलब आपने काफी टाइट कर दिया है। हाँ? उसके बाद भी इसकी मतलब 1 फीट से ऊपर गोलाई आ रही है। हाँ, 1 फीट से गोलाई ऊपर आ रही है। इसका मतलब है कि करीब ये 1 किलो ज्वार का पौधा है जो आपने पहली बार, या मैं तो मेरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी अभी मतलब इतना ग्रो पहली बार ही देखा है। अच्छा अच्छा। सभी फसलों में इसका इस्तेमाल करूंगा जो भी है। अभी जैसे गेहूं का सीजन आने वाला था, गेहूं में करूंगा। चने का आने वाला था, चने का करूंगा। मतलब सभी में फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। और उसमें क्या, एक तो इस्तेमाल करने के से उसमें क्या रहता है, एक तो मिठास बनाता है दाने में। हाँ? और एक तो ताकत मिलती है सबसे ज्यादा क्या है, जैसे अभी इसको दाने को आप निकाल के खाओ। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको ये सूखा दाना ही बिल्कुल मीठा लगेगा। अच्छा, स्वाद देता है। स्वाद देता है, मतलब ऐसा स्वाद देता है कि जैसे आप इसको मतलब भुट्टे को अगर दाने निकाल के वो कच्चा खा जाओ, मतलब इतना मीठा लगता है। अच्छा अच्छा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि चलो आपका ये वाला गोड़ है, ये तो आपका 1 फीट से ऊपर है, दूसरा गोड़ पीछे भी है, उसको भी आप थोड़ा सा नाप के बता पाएंगे सर? उसकी हाइट बताइए सर थोड़ी सी। ये देखिए, ये भी करीब करीब 13 इंच का है। ये अच्छा, करीब करीब ये भी 13 इंच का है। हाँ। इसके आगे वाला बता सकते हैं थोड़ा सा? आगे वाला ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ये भी करीब करीब आपका 14 इंच का है करीब। ये वाला दिखा सकते हैं थोड़ा सा? ये हाँ, ये बिल्कुल ये, ये भी दिखाइए। ये भी मतलब, ये भी आपका 14 इंच का गोड़ है। मतलब जितने भी गोड़ है आपके सब 14 इंच से ऊपर, 1 फीट से ऊपर जा रहा है। 1 फीट से ऊपर जा रहा है सभी। वाह विशाल भैया, मतलब आप ये हमें आपको कितना क्विंटल निकल जाएगा? ये करीब करीब 1.5-1.5 बीघा एक खेत है ये। हाँ? इसमें करीब करीब 10-12 क्विंटल करीब करीब निकल जाना चाहिए। और वैसे पिछले साल कितना निकाला था? पिछले साल मैंने 4 बीघे में जो ज्वार बोई थी उस खेत में खाली 6-7 क्विंटल हुआ था। अच्छा, और इस साल आपका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? मतलब सिंगल रहेगा, डबल रहेगा, ट्रिपल रहेगा? मतलब करीब करीब डबल से ऊपर हो जाएगा। साइड इफेक्ट तो नहीं है जमीन को? है? कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि आप सामने देख रहे हैं कि जमीन कितनी नरम है। ये दिखा सकते थोड़ा सा? नमी कितनी है आप सामने ये देखिए। हाँ, निकालिएगा। हाँ, बताइएगा थोड़ा सा। ये देखिए आप। हाँ? ये जमीन देखिए भुरभुरी हो गई, चाय की पत्ती जैसी हो गई, जैसे नरम बिल्कुल। और उसके बाद में पहले क्या, जैसे नीम प्रेस्टिफाइस अपने पावर ग्रोथ नहीं इस्तेमाल किया था उस टाइम जमीन ये कड़क थी। अच्छा, मतलब अब ये जमीन की नमी भी बहुत अच्छी है। हाँ। और बहुत अच्छी जमीन हो गई है। नमी है अब थोड़ा सा। हाँ। अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया आएगी ये। पावर ग्रोथ इस्तेमाल करें। हाँ। और पावर प्लांट भी इस्तेमाल करें, पावर ब्लूम भी इस्तेमाल करें। हाँ। और नीम प्रेस्टिफाइस एक आता है, और सबसे अच्छी चीज है कि आप जो सोयाबीन में छिड़कते हैं नीम प्रेस्टिफाइस, जो पहले छिड़कते थे इंडोसल्फान वगैरह, उसको नहीं छिड़क के आप नीम प्रेस्टिफाइस अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको डबल फायदा होगा।